मेरा नाम निधि है और मेरे YouTube चैनल का नाम लाइफ्स ऑफ निधि ब्लॉग है। मुझे तो ब्लॉगिंग का शौक है, आप लोग समझ गए होंगे। असलियत बताना है, कोई यहाँ पे हवा हवाई फेंकना नहीं है। साथ में प्ले बटन भी लाया है जो हमें बहुत बढ़िया 18 लाख व्यूज मेरे डेली आते हैं। सेब 30 रुपए में इसको खाना खिला रहा है। तो मंथली जो बनती है वो 50 से प्लस बनती है। चीजों को जो यहाँ पर शुरुआत करी और उसी वजह से हम हजार बर्फ ग्रह लाख आंधियां उठे, हजार बर्फ ग्रह लाख आंधियां उठे, वो फूल खिलके रहेंगे जो फूल खिलने वाले हैं। तो ये है कि अभी जो है हम फिलहाल बनाते हैं, अभी हमने थोड़ा सा आजाद भाई से इंट्रो नहीं करवाया था, वो चले गए थे। ये हमारे भाई तो कमाल के भाई हैं है। वैसे ये किसी इंट्रो के मोहताज नहीं है, किसी उसके मोहताज नहीं है। ये भाई साहब, इनका मेहनत को मैं सलाम करता हूँ। कहीं भी कोई भी कैसी भी कुछ भी जहाँ हमारी जो चैनल के रिगार्डिंग और किसी भी चीज की जो जहाँ भी क्रिएट मतलब वीडियो नहीं दंगे फसाते में नहीं, जहाँ भी स्टूडेंट से रिलेटेड स्टूडेंट से रिलेटेड या कोई भी ऐसा भी कोई माजरा है वहां पर ये खड़े आपको मिलेंगे। मतलब हाँ वही चीज है, इनका मेहनत चाहे आप इनको लखनऊ और कानपुर और चाहे साउथ इंडिया में कोई हाँ कहीं भी कोई मतलब दिक्कत नहीं कह सकता, कहीं भी ये लग जाए ना भाई ये मेरा कॉन्टेंट है वहां ये पहुंच जाएंगे, आपको मिलेंगे। तो इनके बारे में तो कहना ही क्या, थोड़ा सा क्या कहेंगे आजाद भाई? हाँ पहले तो आप सभी को नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पर आकर? खुशी महसूस हो रही है? तो देखिए ऐसा है कि हमने ये मीटअप अरेंज किया है जो भी नए क्रिएटर्स हैं, नए यूट्यूबर्स हैं, उन लोगों के लिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर कमा रहा हूँ यूट्यूब से या फिर जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे दूसरे लोगों से शेयर कर या फिर हमारे साथ साथ वो लोग भी कमाए हैं ना। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा पिछले 2-3 सालों से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ। द स्टूडेंट सेवियर करके चैनल है, आज मैं साथ में प्ले बटन भी लाया हूँ जो हमें बहुत बढ़िया। और ये इसलिए लाया हूँ कि ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सर को धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने यहाँ पर हमारा जो मीटअप होने वाला था, हमने इनसे आकर के बात करी आजाद भाई ने, और यहाँ पर इन्होंने जो चीजों को सेटअप करवाया और चीजों को जो यहाँ पर शुरुआत करी और उसी वजह से हम आज यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सर से गुजारिश करूंगा कि सर थोड़ा सा बताइए अपने बारे में और चीजों को जो है किस तरह से। ठीक है। हेलो गाइस, देखिए मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। बीपीएससी एकेडमी बिहार विशेष को फोकस करते हैं स्टूडेंट को, और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे प्रोग्राम होते रहे आपके, काफ़ी अच्छा लगता है। हमने आपके कई सारे चैनल देखे हैं, आप क्या करते हैं स्टूडेंट की आवाज़ उठाते हैं और ये बहुत अच्छा है। और नई टेक्नोलॉजी का ना आप जितना ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे स्टूडेंट की आवाज़ उठाने के लिए उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा स्टूडेंट को। और बस हम यही बोलेंगे, मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ गुड़गांव में, और मैं बीबीएससी एकेडमी का थोड़ा सा करेक्ट करना चाहेंगे, हम चेयरमैन नहीं है, हम डायरेक्टर हैं, चेयरमैन राजेश सर हैं, मैं बिहार से ही। तो सर जो है हमें ये मौका दिया है ये मीटअप करने के लिए, और सर ने पूरी मतलब जो व्यवस्था है अरेंज करवाया है। तो सर आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा मैं, सर इस तरह का अगर आगे और प्रोग्राम करें तो उसके लिए आप लोग सहयोग करेंगे हमें? ठीक है, जब भी आप प्रोग्राम करेंगे बीपीएससी एकेडमी दरवाजे आपके लिए सदा खुले हैं। और ओके थैंक यू सो मच। जी बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत धन्यवाद। और आकर के आपने अपने जो दो बातें रखी हैं अपने, फिर अब हम जो है कंटिन्यू करते हैं। और हाँ तो सबसे पहले थैंक यू सो मच सर आपके लिए यहाँ पहुँचने के लिए, अपनी मैसेज और वो सारी चीज़ों के लिए और यह सब चीज़ को अरेंज कराने के लिए। ओके तो हम कंटिन्यू करते हैं सर। और हाँ यहाँ पर हमारे जो सर प्रकाश जी बोल रहे थे तो इनसे जो है सब तय करेंगे चीज़ों को। तो दोस्तों हम उद्देश्य जो वीडियो बनाने का है, मीटअप करने का है, आप लोगों के लिए एक प्रकार से असलियत बताना है, कोई यहाँ पे हवा हवाई फेंकना नहीं है। दिल की गहराइयों से बोल रहा हूँ, कौन कौन ऐसे भाई हैं हमारे पे जितने इसको यूट्यूब को एक कैरियर बनाना चाहते हैं। एक्चुअली इससे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जितने भी ये भाई हैं या तो कैरियर बनाना चाहते हैं साथ ही साथ अपनी देखो पढ़ाई भी कर रहे होंगे, बहुत सारे ज़्यादातर यही है। देखो तो कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पे मैम कवर करिए, कितने ऐसे लोग हैं जो एक यूट्यूब को कैरियर बनाना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा सा हाथ उठा दीजिए।
अब यही तो बात है, एक यूट्यूबर बनना है, अपना हाथ नहीं उठा पा रहे हैं, एक टारगेट नहीं बता पा रहे हैं। देखो ये है, यही तो बात है, कोई भी काम करना है तो एक जरूरी ये है कि हमें इसी में ही करियर बनाना है, तो भैया हाथ भी तो उठाना पड़ेगा, है ना। मैं भी बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने आप से सेटिस्फाई नहीं हूँ, फिर भी ये है कि काम कर रहा हूँ, गुजारा चल रहा है, खर्चा चल रहा है। हमारा उद्देश्य यही है कि हमसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हम सभी भाइयों से बस ये है कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं, कोई अपना एक कैरियर के तौर पर यूट्यूब पर काम करता है, कोई एक ऐसा है कि एक अपना बैकअप प्लान भी बना के चलता है। तो यही है हमारा कि कहीं ना कहीं हम अपनी तैयारी को अभी धार देने के उद्देश्य से लगे हुए हैं कि भैया जो भी है घर वालों को एक बार सेटिस्फाई कर दें, फिर इसके बाद यूट्यूब को हम पूरी तरीके से ले लें। और आप लोगों को मैं अपना नाम बता देता हूँ, मेरा नाम ना जसराम राठौर है, और यूट्यूब पर जो सोशल मीडिया है यहाँ पर मैं 2018 से काम कर रहा हूँ, तो अभी मेरे को 6 से 7 साल के समथिंग हो चुके हैं 2018 से। और आप लोगों को बता दूं कि मेरी जो लाइफ रही है 2018 से मैंने स्टार्ट किया था, 2021 तक 3 साल मैंने जॉब की थी गुड़गांव में, जहाँ पे मेरे को एक पैसा नहीं आता था, 8,000-7,000 की मैंने जॉब की, एक फैक्ट्री में भी काम किया था सब तरह की, घर वालों से मैं भाग के आ गया था, घर वालों ने मेरे ऊपर कम से कम 15 लाख रुपये खर्च किए, मेरी 2 जगह जॉब भी लग गई थी गवर्नमेंट MP में, मुरैना मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, मेरी MP पुलिस में भी हो गया था और इंडियन नेवी SSR में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मैंने घर वालों को चूना लगा के बेवकूफ़ बना के मैं ना वहाँ से भाई भाग के आ गया, मेरे को जॉब करना ही नहीं था, मैं बस देखता था कैरी मिनाटी, जब कैरी मिनाटी असिस्टेंट चलाई उस टाइम पे इन लोगों का बहुत एक अच्छा खासा नाम था, तो भाई मैं इनके पीछे ना पागल हुआ पड़ा था, मुझे को भी लगा मुझे भी ऐसा ही बनना है। मैंने 2018 में चैनल बना के कुछ वहाँ पे अपने लोकल में वीडियो बनाई, कुछ नहीं हुआ, फिर मैं सीधा आ गया दिल्ली, यहाँ पे जॉब वगैरह करने लग गया, सीधा आती मैंने लिया कैमरा 75,000 रुपये का, अब भाई EMI पर उठा लिया, अब पैसे कहाँ से आएंगे, 7,000 की जॉब कर रहा हूँ, 5,000 की उसकी EMI आ रही थी, परेशान, यूट्यूब से एक पैसा शुरुआत में मतलब बहुत ज़्यादा शुरुआत है ना कर दिया था मैंने भाई साहब, मैं करता रहा मेहनत करता रहा, फिर मेरा ना चैनल मोनेटाइज हो गया 3 साल बाद। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, मेरा नाम निधि है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम लाइफ्स ऑफ निधि ब्लॉग है, मुझे तो ब्लॉगिंग का शौक है, आप लोग समझ गए होंगे चैनल का नाम से। तो मुझे ब्लॉगिंग का शौक कैसे हुआ और कब हुआ, 2018-19 में मैं देखती थी सौरभ जोशी को, उसका चैनल मेरे को बहुत पसंद आता था, वो डेली ब्लॉगिंग बनाता है, आप लोग जानते होंगे सौरभ जोशी को, कौन कौन जानते हैं, अच्छा सब जानते हैं, कौन नहीं जानते सौरभ जोशी, वही है। तो मैंने उनसे ही सीखा था, ब्लॉगिंग करना ही मुझे पसंद था, तो मैंने स्टार्ट किया। उस टाइम पे मतलब मैं जॉब करती हूँ, पैरामेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो जॉब के साथ साथ मेरे को पॉसिबल नहीं होता था उस टाइम पे करना, तो मैं मतलब रेगुलर काम नहीं करी हूँ, अभी भी नहीं कर पाती हूँ मैं, बट सोचती हूँ कि अब मैं आगे रेगुलर काम करूँ, इनलिए उनसे मेरी बात हुई थी, चलो मैं आती हूँ बात करूँगी बताऊँगी जो मिले थे क्रिएटर्स मीटअप, हाँ मीटअप पे मिले थे हम लोग, तो यही है कि इंस्टाग्राम में भी पेज है, हाँ इंस्टाग्राम पे पेज है लाइफ ऑफिशियल निधि 46 पेज का नाम है, इंस्टाग्राम में मैम रील्स बनाती है, काफी अच्छा ग्रोथ है इनकी, बढ़िया रील्स बनाती है, हाँ तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है अभी कि सब्सक्राइब कर लो आप लोग, क्योंकि मीटअप का मतलब है एक दूसरे से जुड़ना, कनेक्शन है, कोलैबोरेशन है ना, एक दूसरे से हेल्प, हां एक दूसरे का हेल्प, आइए नयन भाई, तो बस वही है कि कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप रेगुलर काम करो और उस पर अपना 100% दो, बाकी सारे आपको खुद ही ग्रोथ हो जाएंगे, चैनल वगैरह जो भी है। तो आप लोगों से मिलके अच्छा लगा और यहाँ पे आपने बुलाया मुझे आजाद भाई, आपको थैंक यू सो मच। 2020-21 से कर रही हूँ मैं काम, इंस्टाग्राम पे भी उसी टाइम से कर रही हूँ, तो चलो थैंक यू सो मच सब, चलिए आपको तालियां हो जाए। वो मेरी पहली वीडियो थी, लगभग चली गई थी 15 मिलियन, उसके बाद में जितनी भी डालता गया मैं वो सभी मिलियन में जाती रही, लगभग मैंने स्टार्टिंग की ऐसी हुई थी 3 वीडियो और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, शॉर्ट सही हो गया था मेरा मोनेटाइज, मेरे 3 दिन वो आ गए थे लगभग 17 मिलियन व्यूज़, 18 लाख व्यूज़ मेरे डेली आते हैं शॉर्ट, जितनी वीडियोज मेरी है ना सारी 18 लाख व्यूज़ डेली आते हैं, तो उस पर मेरी मंथली जो बनती है वो 50 से प्लस बनती है, 50 और 80 के बीच बनती है 1000 शॉर्ट से। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास सिंह है, अभी हमने एक पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया और कल मैंने आजाद भाई का भी उसमें इंटरव्यू लिया पूरा,
और आप सब लोग आए हों तो आप लोग भी इनवाइट हो, अगर कोई भी वहाँ पे अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहता है कैसे उसने YouTube पे शुरुआत किया, जब उन्होंने शुरुआत किया तो लोगों ने मजाक उड़ाया, तो आप कैसे किसी IAS IPS या किसी भी सिलेक्टेड के पास जाते हो तो कैसे क्वेश्चन तैयार करते हो, कैसे पूछते हो, तो आपकी अगर कोई भी कहानी है किसी भी फील्ड से, ज़रूरी नहीं है कि आप टॉप करोगे तभी आपकी कहानी हो, हर आदमी की अपनी एक कहानी होती है, चाहे वो रिक्शा चला रहा है, चाहे सब्जी बेच रहा है, कोई भी आदमी है, तो आप अपनी कहानी बताना चाहते हैं तो आएँ, और यहाँ पर सबके नंबर भी आ गए हैं, और जो भी आना चाहता है नंबर नहीं आया, बाकी मैं आजाद भाई से कांटेक्ट कर लूंगा, कोई भी अगर चाहेंगे पॉडकास्ट करने के लिए तो आए, और हमारा कोई ये है कि किसी भी फील्ड में आप कुछ अच्छा कर रहे हो आके अपनी कहानी बताएं, हम लोगों तक उसको पहुंचाएंगे, और बाकी मैं तैयारी करता हूं, ज्यादातर टाइम पढ़ते ही रहता हूं, पार्ट टाइम मैंने कहा कि चलो इसमें वो कोचिंग भी ले रहे थे। अभी कितने समय हो गया आपको यहाँ मुखर्जी नगर में? मेरी जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है, और बाकी पढ़ाई भी किया, कई सारे एग्जाम में प्रीलिम्स मेंस तक गया, और ज़्यादातर मैं तैयारी ही करता रहता हूँ, पढ़ाई करता रहता हूँ, बाकी टाइम मैंने सोचा कि एक पॉडकास्ट चैनल बनाया जाए, उस पर लोगों की आवाज़ को दूर तक पहुँचाई जाए, तो और मैं कर रहा हूँ, भी शुरुआत ही है, तो बाकी आप लोग भी इन्वाइटेड हैं अगर कोई भी आके अपनी कहानी बताना चाहता है, और अभी और लोग भी आना चाहते हैं बताने के लिए, यहीं पर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। अगर आप लोग शायरी सुनना चाहते हैं तो एक दो शायरी और सुना सकता हूँ, क्योंकि आप लोग कैसा सुनना चाहते हैं उसी तरीके के मैं सुनाऊं, कभी ठीक है दो शायरी सुनाता हूँ, ठीक है एक कोई वीडियो मतलब बना दो, बस ठीक है मैं सुना रहा हूँ, बन रही वीडियो, हाँ उदय भाई वीडियो बना देना, ये ले लो मोबाइल ले लो शॉर्ट्स में ले लो, ठीक है मैं कई सारी सुना देता हूँ, जब बोर हो जाइएगा तो बता दीजिएगा चला जाऊंगा जब तक मजा आता रहे तो ठीक है। अभी सूरज नहीं ढला जरा सी शाम होने दो, अभी सूरज नहीं ढला जरा सी शाम होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा मुझे नाकाम तो होने दो, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम पहले मेरा नाम तो होने दो। दुष्यंत कुमार सर की एक लाइन है आप लोगों ने सुनी होगी, हो गई पीर परवस्ती फिगलनी चाहिए, हो गई पीर परवस्ती फिगलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, हर सड़क पर हर गली में हर नगर में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं बस ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, लेकिन आग हो कहीं वो आग जलनी चाहिए। हरिवंश राय बच्चन, देखिए जब बोर हो जाइएगा बता दीजिएगा मैं चलाऊंगा, जब तक अच्छा लग रहा है सुनते रहिए ठीक है। हरिवंश राय बच्चन की एक लाइन है आप लोग सुने होंगे, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और जो सबसे बेहतरीन मोटिवेशनल लाइन है, और हर आप लोग जितने भी लोग हैं सब कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हो, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है दीवारों पर सौ सौ बार खिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर कर चढ़ना चढ़ कर गिरना अखरता नहीं, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, असफलता एक चुनौती है उसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो उसे सुधार करो, जब तक सफल ना हो जाओ नींद चैन को त्याग दो, संघर्षों के मैदान को छोड़ के भागो मत, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कह रहा है सोरे दरिया से, एक आखिरी सुना देता हूं मैं, आवाज काला लिबास काला, आवाज काला लिबास काला, मैं अंधकार का प्रतीक हूं,
तुम सब राम बन जाओ, मैं रावण ही ठीक हूँ। बाकी अब मैं चलता हूँ, आप लोग भी करिए। सबसे पहले तो आप सब लोगों को कि आप लोग यहाँ पे आए, अपना थैंक दिए, आप लोगों को शुक्रिया। 2,45,000 लगभग सब्सक्राइबर है, और ऐसे ही मैं पहले पढ़ाना स्टार्ट किया था, फिर इंटरव्यू वगैरह किया, फिर एक दिन यूपीएससी भवन, किसी ने मुझे बताया यूपीएससी भवन, इससे पहले कोई वीडियो नहीं बनाता था, सबसे पहले मैं गया वहाँ पे वीडियो बनाया। फिर बहुत से और भी यूट्यूबर वगैरह बनाने लगे, कुछ लोगों को मेरे से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे। फिर धीरे धीरे ऐसे ऑफिसर वगैरह का इंटरव्यू करते गया, साथ में मेरी तैयारी भी चल रही है अभी भी, और उस टाइम पे भी चल ही रहा था, बस ऐसे ही। बाकी किस टाइप का इंटरव्यू करते हो बताओ ना जरा? ऑफिसर का जो होता है वो उसका करते हैं, फिर एस्पिरेंट का करते हैं, जो है जो सिलेक्टेड होते हैं आईएएस आईपीएस बनते हैं उन लोगों का इंटरव्यू करते हैं, और जो भी सिलेक्टेड होते हैं और एक्सपीरियंस लाइव वगैरह ये सब दिखाते हैं। 2 सालों से लगभग लगभग नहीं, कई बार होते हैं लगातार, तो बना ही हुआ हूँ। हाँ, ऐसा कभी लगता है डिमोटिवेशन फील होता है कि यूट्यूब नहीं, इसको तो मैं मतलब ऐसे प्लान बी के रूप में ही रखा हूँ, मैं तो पढ़ाई चल रही है। हाँ, बैकग्राउंड आपने पहले आपको बता दिया था, कंटेंट क्रिएटर ये है। हाँ हाँ, वो सब करता हूँ, ठीक है ना। और कोई इसमें कोई आइडिया वगैरह पूछना है आप लोगों, तो आप बता सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। मैं तो स्टार्टिंग बोल दिया कि मैं उनका हाइट हूँ, ठीक है ना, मैं तो यही है ना, लेकिन आप क्यों नहीं बता रहे, मेरे को पता नहीं चलेगा। हम लोग तो मैं आइडिया देता हूँ कि कहाँ क्या डालना चाहिए, जैसे कि कुछ आप वो कुछ पूछ रहे हैं तो आप पूछो, आप उसका मैं बताऊँगा कि आप किस टाइप करता हूँ। मेरा नाम शुभम है, और अभी एज ए एंटरप्रेन्योर मैं काम कर रहा हूँ। वजीराबाद में हमारे रेस्टोरेंट्स हैं जो चल रहे हैं अभी, और अभी हमारा प्लान आगे मुखर्जी नगर एंड इंदिरा विकास के एरियाज में हम काम कर रहे हैं, जिससे और ज़्यादा हम स्टूडेंट्स तक पहुंच सकें। और हमारा मेन उद्देश्य ये है, हम जैसे एक हमें यहाँ पे यूट्यूबर्स का मीटअप हो रहा है, तो हम यूट्यूबर नहीं हैं बट हम स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ सबसे हम ईजी कॉस्ट में लोगों को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, इजी कॉस्ट है हमारी 30 रुपीज़ से थाली हमारी स्टार्ट होती है, सिर्फ 30 रुपये में इसको खाना खिला रहा है, तो खाना खिला रहा है। इसके अलावा आप जितनी आपके आपका बजट हो, 30 से लेकर हमारा 80 रुपये तक सारी आपकी सारी चीज़ें हैं, जैसे आपके जेब में पैसे हो वैसे आप हमारे यहाँ के खाना खा सकते हैं, भूखे रहने का कोई वो नहीं है। और किसी के पास पैसे हो ही ना, फ्री में पैसे ना हो तो भी कोई इशू नहीं है, आप आइए हमारे यहाँ खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई ऊपर वाले के दुआ सारी चीज़ें हैं। और नहीं, ये बिल्कुल देखिए, आपने 12th मूवी अभी बात हुई थी, देखी होगी आपने, तो उसमें जो उनके मनोज के साथ हुआ था जो इंसिडेंट हुआ था, हाँ ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो उनके लिए हमेशा हम प्रोवाइड करेंगे चीज़ें, अगर वो आगे कुछ करना चाह रहा है जीवन में, कुछ आगे बढ़ना चाह रहा है, कुछ हाँ उसके अंदर वो जज्बा है, तो हम जरूर उसको प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, इसके अलावा हम जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं आसपास की जितनी भी चल रही हैं, जैसे भैया मदान सोशल वर्क कर रहे हैं, तो हम जितनी भी झुग्गी झोपड़ियाँ उनके जो गरीब स्लम्स के बच्चे हैं उनको हम निशुल्क रूप से पढ़ाते भी हैं, हमारी टीम है, हम पढ़ा भी रहे हैं, और उनको हम एवरी संडे फ्री फूड प्रोवाइड करते हैं TFC की तरफ से एवरी संडे। और ये हमारा जो रूटीन है लगभग 1 साल से चल रहा है। हम लोग वजीराबाद की झुग्गियाँ हैं, गोपालपुर की पीछे आप शायद आपने देखी होंगी झुग्गियाँ हैं, जहाँ भी झुग्गियाँ होती हैं, अभी जो शरणार्थी हिंदू शरणार्थी पाकिस्तान से 2013 में आए हुए थे उनके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ उनको। लोग अपनी बातें समाचार पत्रों के माध्यम से या फिर छोटे छोटे सेमिनारों के माध्यम से पहुंचाते थे, तो यहाँ पर मोस्टली जितने भी लोग हैं सबका उद्देश्य है कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प करना, पैसा कमाना एक पार्ट है लेकिन सबसे मेन उद्देश्य है लोगों की हेल्प करना, लोगों की लाइफ को आसान करना। तो हमने थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ इंटरव्यू थोड़ा सा करेंगे। मेरा नाम राम मोहन यादव है, मैं मूलतः उत्तर प्रदेश से हूँ, इसके